दोस्तों, आपका गाड़े चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गुड़हल की कलम, हाईब्रिड गुड़हल कलम कैसे बनाए मैं दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एक हाईब्रिड गुड़हल की एक कलम बनाई और देखिए, इसको मैंने एक जल घोल तैयार किया। ये घोल है एलोवेरा का, ये एलोवेरा के पत्ते हैं, पानी है, पानी में एलोवेरा का मैंने, देखिए ये एलोवेरा के पत्ते, इसको अच्छी तरह यूं यूं करके निचोड़ के इसमें पानी में घोल तैयार कर लिया। और करने के बाद मैंने इसमें एक हाईब्रिड पीले रंग का गुड़हल है ये, इसकी डंडी डाल दी। और देखिए, इसमें हल्का सा आपको दिखाई पड़ेगा जड़ निकलती हुई, और छोटी है, भी एक दिन की हुई है। और ये जब पाँच छः दिन की हो जाएगी, मैं इसको मिट्टी में गाड़ दूँगा और वो जो जिस गमले में इसको लगाऊँगा उसको मैं छाया में रखूँगा। और ये इस तरह आप गुड़हल की, हाईब्रिड गुड़हल की कलम तैयार कर सकते हैं। याद है कि इसको थोड़ा सा गर्मी चाहिए होती है, धूप में नहीं रखिएगा बट छाया में रखिएगा, और लेकिन थोड़ा सा माहौल भी गर्म है इसके लिए। तो इस तरह आप गुड़हल की कलम तैयार कर सकते हैं। याद है कि जो एलोवेरा का जल होता है, एलोवेरा के पानी में आप पत्ती अच्छी तरह मसल के पानी में घोल देंगे तो वो एक फंगस फ्री हो जाती है इस डंडी में। इसमें जो भी आप कलम लगाएंगे इसमें फंगस नहीं लगती है, तो ये फंगस से बचाव करता है और पौधा ग्रो कर जाता है। इस तरह हम इसको लगा सकते हैं, आप भी लगाइए और लगा के आप दोस्तों में सभी पौधे बांट सकते हैं, अपने गार्डन में पौधे बढ़ा सकते हैं। खूबसूरत फूल के पौधे अगर कई हैं तो अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों।